सालाना उर्स पार्क के द्वारा आयोजित एकता उर्स के अवसर पर दुर्ग जिला प्रशासन और उर्स कमेटी के बीच सार्थक बैठक संपन्न हुई। सभी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने जनता से अपील की। कौमी एकता की मिसाल पेश करते हुए दुर्ग के पुराना बस स्टैंड स्थित हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली रहमतुल्ला अलैह के 72वें उर्स पाक के खास मौके पर सालाना उर्स पाक कमेटी और दुर्ग जिला प्रशासन और दुर्ग पुलिस के बीच बैठक संपन्न की गई। बैठक में उर्स से संबंधित सभी लोग बड़ी संख्या में शामिल हुए और अपनी राय मशवरा दी और जिला प्रशासन द्वारा बताए गए बातों पर ध्यान दिया। चले जाए आपके और मीडिया के माध्यम से भी वो लोगों को जानकारी हो जाए कि हमारे पार्किंग की व्यवस्था यहाँ पर में कर दी गई है, ताकि हमको ना पहले हमको क्या किसी को बताना ना पड़े, वो आए अपनी गाड़ी वहाँ पर में खड़ा करें। इसके अलावा जो भी डायरेक्शन आप लोगों की तरफ से आम पब्लिक के लिए रहता है और जो शासन प्रशासन, ताकि लोगों को ना ये मालूम रहे कि हमको किस रूट से जाना है, किस रूट से नहीं जाना है, और फिर वो रूट से गया और फंस गया, फिर गाड़ी निकालने में दिक्कत आ रहा, तो फिर पुलिस। इस दौरान जिला प्रशासन, पुलिस और उर्स कमेटी के बीच उर्स की तैयारियों को लेकर खास चर्चा की गई। इसमें उर्स के दौरान दरगाह की व्यवस्था, संदल, चादर पोशी सहित अन्य जानकारियां ली गई। वहीं कमेटी के द्वारा सभी दिनों में होने वाले आयोजनों की जानकारी लेकर दुर्ग बाबा के उर्स पाक को सफल बनाने की अपील भी की गई। इस दौरान इस सार्थक बैठक में पहली बार अनूठी पहल किए जाने का जिला प्रशासन और दुर्ग पुलिस द्वारा इरादा किया गया कि जिस दिन बाबा हजरत बाबा अब्दुल रहमान शाह काबुली का उर्स पाक होगा और दरगाह पर गुस्ल की रस्म अदा की जाएगी, उस दिन सबसे पहले जिला प्रशासन और दुर्ग पुलिस द्वारा पहले चादर बाबा के आस्ताने पर पेश की जाएगी। जी हाँ, गंगा जमुना की तहजीब की मिसाल पेश करती ये बात उस दिन का मंजर देखने लायक होगा। वहीं इन सब की तैयारियों को लेकर उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश दिशलहरा ने सारी तैयारियों की पूरी बारीकी से जानकारी दी और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां भी सौंपी। इस दौरान सालाना उर्स पाक कमेटी के अध्यक्ष प्रकाश देशलहरा, समाज सेवी प्रहलाद रुंगटा, रऊफ कुरैशी, रजा खोकर, अमजद अली, यूनुस पटेल, शेख असलम, शाद बेग सहित बड़ी संख्या में कमेटी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल रहे। दुर्ग पुलिस से दुर्ग CSP चिराग जैन सहित सभी थानों के प्रभारी और जिला प्रशासन से मुकेश रावटे भी उपस्थित हुए। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आज आदरणीय SDM साहब और CSP साहब, जो हमारे IPS अधिकारी हैं चिराग जैन जी, इनसे 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा था कि भाई इसमें ऐसा ऐसा है और ये सरकारी जगह है और अपन ऐसा करते हैं कि अपन 1-2 दिन बाद बैठ के अपन इसमें डिस्कस कर लेंगे, आपका क्या प्रोग्राम, सारे अधिकारी आ जाएंगे और अपन डिस्कस करके इसको अपन, हम भी चाहते हैं कि बहुत अच्छे से प्रोग्राम हो, क्योंकि हमने भी सुना है कि 72 साल से एक प्रोग्राम हो रहा है और बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और एक एक दुर्ग शहर जो कौमी एकता की मिसाल है। फिर उसके बाद उन्होंने आज मीटिंग रखी, आज सारे पदाधिकारी आए, कुछ जो अपना सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस हैं उसके तहत साउंड का जो है ये हमने उनको आश्वासन दिया कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि जब भी शहर में जब घूमेगा जो संदल, उसमें जो DJ वगैरह का साउंड थोड़ा कम रखेंगे और कोई ऐसी घटना ना हो कि कहीं विवाद की स्थिति बने। इसमें शासन और प्रशासन हमारा पूरा सहयोग करने के तैयार है और हम और हमारी कमेटी की पूरी टीम, हम शासन के साथ हैं और शासन के मार्गदर्शन पर हम अपने प्रोग्राम को बहुत अच्छे ढंग से करना चाह रहे हैं। प्रशासन की ओर से अच्छी पहल की गई, सभी वर्गों को, सभी धर्मों के लोगों को, प्रतिनिधित्व को बुलाया गया था और अच्छा मार्गदर्शन उन्होंने दिया। यह पिछले 72-75 वर्षों से उर्स पाक यहाँ मनाया जा रहा है और मिसाल है अपने शहर के लिए कि एकता का प्रतीक है और सभी धर्म के लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ जो आज मीटिंग बुलवाई गई थी उसमें यही कहा गया कि ये प्रोग्राम जो है शांतिपूर्ण ढंग से हो, अच्छे से बढ़िया बने। हमने भी उन्हें आश्वासित किया है कि जैसा पहले चलते हुए आ रहा था वैसे भी आगे चलते रहेगा, शांतिपूर्वक वातावरण में रहता है और शांतिपूर्वक रहेगा। देखिए, उसके लिए संदल के लिए भी चूंकि सभी आते हैं, अनुयायी हैं, आकर के चादर चढ़ाते हैं, तो उसके लिए रूट भी डिसाइड किया गया है ताकि शांति व्यवस्था बने रहे और आमजन से भी यही अपील है कि जो परिवर्तित मार्ग हैं जहाँ से उनको आवाजाही के लिए उपयोग करना है उन चीज़ों का उपयोग करें। और चूंकि पवित्र त्यौहार है, इसमें हमेशा पूरे दुर्गवासी पूरे मिलजुल करके मनाते हैं, परमाशय से परंपरा चली आ रही है, तो वो भी शांतिपूर्ण तरीके से बनाने का प्रयास किया जा रहा है और लोगों से भी अपील की जा रही है कि जहाँ भी उपयोग करते हैं साफ सफाई भी, उन चीज़ों का भी हम पे पालन किया जाए। साथ ही अभी चूँकि आचार संहिता भी प्रभावशील है,
चार जून को हमारा काउंटिंग है, तो उस दृष्टिकोण से भी निर्देशित किया गया है ताकि किसी प्रकार का ऐसा प्रभाव ना पड़े उन चीज़ों को देखते हुए, और सभी से अपील भी की गई है कि शांति से हम त्यौहार का आयोजन करें। ये मीटिंग आगामी उर्स महोत्सव को रिलेटेड ली गई, इसमें सभी स्टेक होल्डर्स प्रेजेंट थे, इसमें समाज के लोग, समाज के मतलब जो मेन लोग हैं वो लोग, और प्रशासन और पुलिस के भी सभी मेन अधिकारी प्रेजेंट थे। तो इसमें हमारे द्वारा ये निर्देश दिया गया कि पूरी व्यवस्था बनाई जाए, कोई भी क्राइम जैसी सिचुएशन ना हो, साथ साथ लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे, और जो नियम हैं जैसे साउंड रेगुलेशंस और जो भी इस तरह के नियम है टाइम रेगुलेशंस रिलेटेड, उनका भी एक पालन किया जाए, इसी तरह के हमारे द्वारा निर्देश दिए गए हैं। उसमें कई चीज़ें हैं, एक तो सबसे पहले तो क्राइम पे नज़र हमारा मतलब हमारे ये पूरी कोशिश रहेगी उस दौरान कोई अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट ना हो, कोई क्राइम जैसी सिचुएशन ना बने, साथ ही साथ ट्रैफिक की व्यवस्था बनाए रखना, और साथ ही साथ अपना सफिशिएंट हम बंदोबस्त लगा के रखेंगे। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।